सुख नहीं है तुम्हारे पास? क्या कुछ नहीं दिया तुम्हें? हाँ डैडी, आपने मुझे वो सब दिया जिसे बाजार से खरीद के घर में सजाया जा सकता है, मगर वो सुख कभी नहीं दिया जिसे एक दिल में सजाया जा सके। तुमने फिर वही बातें शुरू कर दी। मैंने कितनी दफा कहा है कि ऐसी फजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ठहरिए डैडी, जहां इतनी फिजूल बातें हो चुकी हैं वहां थोड़ी और सही। आपको देखकर मुझे उस राजा की कहानी याद आएगी जिसे यह वरदान था कि वो जिस चीज को छू लेगा वो सोने की बन जाएगी। एक दिन गलती से राजा ने अपनी औलाद पे हाथ रख दिया और वो सोने की बन गई। राजा बहुत रोया, लाख बचता है, लेकिन फिर वो पुतला इंसान नहीं बन सका। आपकी कहानी भी यही है डैडी, इसीलिए आपने बचपन से लेकर आज तक मुझे अपने से दूर रखा, कभी करीब नहीं आने दिया। आपने तो वो गलती भी नहीं की जो उस राजा ने की थी, न कभी मुझे गोद में उठाया, न कभी सीढ़ी से लगाया, क्योंकि आपको ये डर था कि कहीं आपने मुझे छू दिया तो मैं भी सोने का ना बन जाऊं। मैं सोने का बन गया तो मेरे नाम पर आपने ये जो करोड़ों का कारोबार शुरू किया हुआ है, इसके कागजात कौन साइन करेगा? आपके चेक्स कौन साइन करेगा? डैडी, मैं एक बार आपको हंसते मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूं, एक बार अपनी इस दौलत की दुनिया से बाहर निकल के तो देखिए। इस दौलत की दुनिया ने मुझे शराब में डुबोकर एक बेकार चलती फिरती लाश बना दिया डरी मैम। तू दीवारों से बातें कर रहे बेटे, कपूर सब गए